रहा था कि हसीब जो छोटा भाई है ना तुम्हारा, वो 4-5 दिन से बीमार है, बहुत परेशान है यार। फिर उसने मेरी बात भी नहीं पूरी सुनी, फिर मोबाइल पकड़ा दिया फरमान नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हमारे घर में भी सारे ठीक हैं माशाल्लाह से, करम है अल्लाह पाक का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरी वॉच करें, वीडियो स्किप नहीं करनी। और जो भी मारे अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो भी औलाद अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए, और जो भी बहन भाई सैलाब की वजह से मुश्किलात में, अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी वॉच करें। और रात जो है यहाँ पर बारिश आई थी, बहन थी आई बारिश, वो भी आपको वीडियो दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, इधर सबसे पहले भाभी के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे आप? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और घर में सब ठीक। कहने में हाथ गंदा कर दे रहे, हाथ दिखा रहा था कि धो रही है, हाथों में तो कुछ नहीं रखा। हाँ कुछ नहीं है, देख लें। हाँ जी, आपसे मजाक करता हूँ बहन भाई, बोलते हैं कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते भाभी की। हे रिस्पेक्ट दे रहा दी। चलो अट्टा कौन लिया। हाँ जी, हमारे देवर अब्बा भी के मजाक चलती रहती है ना। हाँ जी, हम शुरू से ही ऐसे। चले माशाल्लाह अट्टा कौन लिया। ओके जी, गुड हो गया। और मौलवी साहब को कोई पता खबर? रात फोन, हाँ मैंने सुना है, रात कॉल आई थी, मैं सो गई थी। अब वो बात कर रहे थे। हाँ। वो मालिक से लड़ रहे थे, वो मालिक बोलता है पैसे नहीं है, ऐसे दफा हो जाओ। अब वो गुस्से थे मालिक से, फोन पर बात कर रहे थे, लड़ रहे थे। अच्छा, अब देखें क्या बनता है। किराया वगैरह तो दे दे, चलो पूरे सड़े नहीं देते। वो मालिक जो इल्ज़ाम लगा रहे कि खुद मशीन ख़राब कर देते हो, फिर हमें कहते हो कि मशीन ख़राब है, तुम्हारा मूड नहीं है काम करने का, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, सौ तो सौ बातें सुनाते हैं इसलिए। हाँ जी जनाब, वो मेरी सोनी बिस्मिल्लाह, चाय बन रही बेटो? नहीं अभी बन रही है। अच्छा अभी थोड़ी सी कच्ची है, ये बात है ना। अच्छा थोड़ी सी कच्ची रह गई है, बस बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी साथ ठीक है। तो आगे भी कोई बात करें ना, क्या करें? कोई भी अपने दिल की बात बंदा कर देता है बहन भाइयों से। हाँ जो कल परेशान थे वो बहन भाई बोल रहे थे 2-3 दिन से ना कौशल परेशान है, तो वो वजह मैं आज बता रहा हूँ। कौशल क्यों परेशान थी कि यहाँ सैलाब की वजह से ना इसकी अम्मी का घर जो है वो भी
सैलाब की लपेट में आ रहा था, उनका घर तो नहीं है, वैसे उठा दिया था, किसी और जगह बैठे थे कोई छोटे मोटे झोपड़ी में, वहाँ पर भी उसको सैलाब का ख़तरा था इसकी अम्मी को, इसीलिए बेचारे परेशान थे कि वहाँ पर सैलाब ना आ जाए। अल्लाह का करम हुआ वहाँ पर नहीं गया पानी, बस वो सेफ है, अल्लाह पाक ने बचा लिया, अब परेशानी ख़त्म, अब खेल। देखें जी, बस यही परेशानी थी, मैंने बता दी, अब कोई टेंशन नहीं, अब हंसते भी है, जब भी ये चाय दिखाओ ना फिर ऐसे करो फिर हंसती है। चलो माशाल्लाह बना लें। इधर आ गए अम्मी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ठीक है मौजा, आज आपकी आँखें सूजी हुई लग रही हैं, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, क्यों कल दिया, तबीयत खराब हुई ना, नींद भी नहीं आई, सर दर्द बुखार बन गया। अल्लाह पाक करम करे, वही है ना बीमारी, आपको बोला है एहतियात करें, वो स्प्रे है जो वो लड़ी है। स्प्रे तो चले, फिर तो आज भी फिर वहीं जाएंगी, पता रात तो बारिश आ गई, पता है क्यों नहीं देखने। हाँ नाइट में बारिश आई, वो भी बारिश कुछ ज़्यादा थी, तेज़ थी, और अभी तो सारे बादल चले गए, बस इसी साइड से थोड़े खड़े हैं, बाकी सारे बादल गायब हो गए, मौसम साफ है, प्यारा है माशाल्लाह। चले एहतियात करके ना, बस मुझे लगता है चुनवाएंगे, क्योंकि बारिश रात आई थी, अभी सूरज निकलेगा, फिर बारिश गई खत्म हो गई। हाँ जी, चले माशाल्लाह, सुबह सुबह आपका लस्सी का काम अब स्टार्ट हो गया, पहले दूसरे काम छोड़ देती है, अब कोई दवाई वगैरह नहीं पड़ी, वो खा लेती सर दर्द बुखार वाली, वो गोली खाई थी रात, आराम हुआ। चले कोई और दवाई मंगवाते हैं, उसका तो गले का मसला था कल भाभी का, वो अब कुछ बेहतर है। हाँ जी बन गई चाय माशाल्लाह। अच्छा ये अबू की जी। चले फिर अबू को दें, मैं आ रहा हूँ, आप पी लें पी लें, मैं बातों में लगा देता हूँ, पच्चा ठंडी हो जाती है। ठीक है ठीक है। ओ देखे वो अबू को भी देने जा रही है। ये देखे जी अभी भी जाले लगा कर बैठे हैं। सुबह सुबह मक्खियाँ आ जाती हैं, रात को मच्छर होते हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाए तबीयत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा रात बारिश वाली कैसे गुजरी? बारिश आई थी फिर रुक गई, बाहर सुकून से फिर सोए। हाँ पहले तो अंदर जाना पड़ा। हाँ तकरीबन 11 बजे सोए हैं पहले बारिश। जल्दी बारिश आई थी ना, 10:30 बजे? 9:30 बजे आई थी। चले है वो तो थोड़ी फसल जो है कपास, उसको तो थोड़ा पानी मिल गया माशाल्लाह, बस गुजारा हो गया, मुझे नहीं लगती उसके। चले खैर, वो मालक जाने और कपास जाने, हमारा तो क्या कसूर है इसमें, अल्लाह पाक ने रोजी देनी है बस। हाँ जी मेरे चाय के लिए बुला रहे थे, बस वो अब जरा भाइयों का हाल बताने लगे तो क्या कह रहे थे? वो हसीब की ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है 4-5 दिन से, और मालिक ने दवाई के पैसे भी नहीं दिए, और वो बोलता है कोई रिजान विजान नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, ऐसी दफा हो जाए, वही बात है। तो अब वो अभी बता रहे थे क्या किया जाए उनका। चलो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, घर तो बुलवाना है उन्हें जैसे कैसे भी। कहा कि आज किसी से उधार मांग के ना फिर भेजेंगे, फिर जब अल्लाह करेंगे पैसे आएंगे तो दे देंगे। चलें वो अब उनको ज़्यादा पता, मुझे क्या पता, मैं तो चलें आपने पहले चाय, आज तो ठारे सारे भी नहीं, नहीं। चले माशाल्लाह गुड। ये देखें जी मेरी चाय, जिस मन मेरे को पीनी है वो अपने घर में बना सकते हैं, दूध लेके, अगर दूध नहीं है तो कहवा बना के भी पी सकते हैं। हाँ जी अब पहले चाय पी रहे थे, मैंने ज़्यादा
सवाल नहीं किए, अभी पूछना है कि वो भाइयों का फोन आया था रात, मालिक से कोई बातचीत कर रहे थे आप। हाँ, वो झगड़ा चल रहा था, एक तो फोन आया था कमरान के नंबर पे, मेरे मुझसे बात की फरमान ने, वो कह रहा था कि हसीब जो छोटा भाई है ना तुम्हारा, वो 4-5 दिन से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, उठ के चल भी नहीं सकता है, कुछ खा पी नहीं रहा है। मैंने पूछा कि दवाई वगैरह नहीं ली, वो कहता है तीसरी बार आज दवाई लेके आए हैं, फिर भी आराम नहीं आ रहा। मैंने कहा उसे भेज दो घर, इधर आके कोई दवाई वगैरह लेंगे। कहता है वो मालिक किराया ही नहीं दे रहा है, खर्चा ही नहीं दे रहा है, झगड़ता है, ये है वो है। ऐसे मैं उससे बात कर रहा था तो वो बॉस भी आ गया उधर मालिक। मैंने कहा मेरी बात कराओ, मैं पूछूंगा सही क्या मसला है, क्या वजह है, आप 2 महीने से कुछ भी नहीं दे रहे हो, कोई मसला है, कोई उनकी कोई गलती है तो बताओ। फिर मैंने उससे बात की, वो तो बात ही नहीं सुनता था, बस ये हो गया वो हो गया, इनकी गलती है, ये मशीन ख़राब कर देते हैं, ये फलां चीज़ तोड़ देते हैं, फलां चीज़ तोड़ देते हैं, ये कैसे काम करते हैं। मैंने कहा अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप उनका हिसाब काट दें, वो 2 महीने से रिजाइन दे रहे हैं, तो फिर क्यों उनको रोका हुआ है उधर, बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाई वगैरह भी नहीं लेकर दे रहे। कहता है 500 रुपये मैंने दिए हैं, 500 रुपये में क्या आता है, 500 दिए हैं बस दवाई लेकर आए, बस हफ्ता 4-5 दिन हो गए, 5 से तो 2 दिन की दवाई है, एक दिन की ले रहे हैं तो कोई चीज़ खाने पीने की भी चलो भी बंदा ले लेता है। वो बहुत परेशान है यार, फिर उसने मेरी बात भी नहीं पूरी सुनी, फिर मोबाइल पकड़ा दिया फरमान को। फिर मैंने फरमान से बाद में कहा कि यार उससे पूछो, अगर किराया देता है, नहीं देता है तनख्वाह तो नहीं ना दे यार, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक दे देगा, किराया अगर दे देता है तो सुबह तो हम किराया लेकर वापस आ जाओ। फिर बाद में फ़ोन किया था उन्होंने दूसरी बार भी, कह रहा था कि आज का बोला है शाम का भी किराया दूंगा, पता नहीं वो आज देता है या नहीं देता है, नहीं देगा तो फिर मैं शाम को भेज दूंगा किराया। चले अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, बाकी उनसे मालकों से तो अल्लाह ही पूछे, बंदे तो नहीं लड़ सकते क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, हमने कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकते उनके साथ, वो मालिक होते हैं। आपको कहा यार मैंने तुम्हारे लिए भलाई की, फरमान ने बोला था कि उसका काम नहीं चल रहा है, कोई बंदे नहीं काम करते हैं उसके पास, मैंने बार बार उससे कहा यार तुम उसको काम चलवाओ, चलो कोई बात नहीं, तनख्वाह कम बनेगी कुछ बनेगा, उनका उसका काम चलवाओ, चलो अल्लाह पाक भला करेगा। तो 2 महीने से वो वहाँ कर रहे हैं, जो भी है मशीन ख़राब होती है, जो होती है वो बैठे रहते हैं, फिर भी बैठे हैं, उसी की खातिर बैठे हैं ना, तो वो कुछ दे ही नहीं रहा है। आज देखते हैं अगर वो कुछ देता है किराया वगैरह तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद कहीं से लेकर भी भेज दूंगा किराया, घर तो आ जाएंगे फिर भाई, घर बुलवा लेंगे अल्लाह मालिक, आज शाम को इंशाल्लाह उनको किराया वगैरह देते हैं वो घर। बाकी अल्लाह पाक तो हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, वो तो पूछेगा यार, गरीब का कोई नहीं होता। चले ठीक है, गुड, आपने सही कहा, अगर नहीं देते किराया तो आप भेज देना फिर घर, मैं भेज दूंगा कोई बात। बाकी यहाँ पर कोई होगा सिस्टम तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरी फैक्ट्री ढूंढ के फिर भेज, फिर काम ढूंढ लेंगे कोई और किसी जगह। चलो जी, बस यही जानना था। हाँ जी, अभी निकाल रही हैं दूध। अच्छा, लस्सी शीशे बन गई माशाल्लाह। लस्सी बन गई तो दूध निकाल रही है। तो लड़के नहीं आए, वो लड़के भाग रही है बकरी, बस निकाल दे, निकाल लिया माशाल्लाह। और बाकी अभी खड़ी हैं पीछे। हाँ, 2-3 खड़ी हैं। चले उन्हें भी उनका दूध निकाले, और समीया को ना रेडी वेडी कर लिया करे, फ्रेश नाश्ता वगैरह करती है तो उसे भी, उसका भी हक है वीडियो में आने का। रोटी भी स्टार्ट हो गई है, और ये देखे चाय भी साथ रखी है, तो सुने के कोई बंदा पिए ना दे, खासकर मुझसे खतरा होता है इसको, मैं पहुँचना पड़ू, मैं देखी पे पहुँचना पड़ू। अच्छा, पहले का मैंने समझा शायद मेरे लिए यहाँ पर छुपाई है, कोई मसला नहीं, मैं नहीं पीता, आप पहले से परहेज किया करें, बचाव किया करें। हाँ, तो पीते नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता चाय, नहीं नहीं, बस रहने दे, मैं पी के आया हूँ, नहीं नहीं बस बस और रहने दे, मैं नहीं पीता, फोन लो मैं, और फिर देखे फिर से ले आई, मैंने भी किया था, मैं पी के आया हूँ चाय। चले क्या ये बात, सवेरे सवेरे आए माने रोज। चले माशाल्लाह, रोटी बनाए खूबसूरत, रोटी लग रही है सफेद सफेद। ओके जी, आप भी अच्छी हैं, आपको रात बोला था तारीफ करनी थी, आप भी अच्छी हैं, ये ना हो के पीछे डंडा उठा के, मेरी तो
तारीफ भी नहीं किया से बाग है। हाँ ठीक है, दोनों अच्छा है। गाय का दूध निकालना स्टार्ट हो गया, बछड़े भी बांध दे इधर। हाँ जी चले। और फिर भी मौसम ख़राब है ये देखें, अभी साफ होता है दो तीन दिन बाद, जब मैं यहाँ आता हूँ दूध के पास तो खराब हो जाता है। बादल बन रहे हैं। हाँ जी, जब भी यहाँ दूध दिखाने आता हूँ तो ऊपर से मौसम खराब हो जाता है। दूध को देखता है मौसम खराब हो जाता है। पता नहीं, उधर बैठा था सही था, आज भी खतरा है। बताया बारिश वारिश बता रहे थे, आज 12-1 बजे के बाद शायद आ जाए। चले अल्लाह पाक करम करेगा, बस ज्यादा ना आए से अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा। आगे पहले भी सैलाब वाले बेचारे करीब तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बचाए, उधर बारिश आए ही ना। जिनको जरूरत है उधर अल्लाह पाक करम नहीं करता, जिधर ज्यादा है मतलब कि सैलाब वगैरह, उधर फिर से बारिश वो होते हैं कोई, बल्कि सारे जो इंसान है ना गुनाहगार है, तौबा करनी चाहिए। अल्लाह पाक करम करे, बस गुनाहों की सजा दे रहे हैं अल्लाह पाक। चले दूध शो निकाले। इधर देखें जी, बच्चे नाश्ता भी कर रहे हैं माशाल्लाह। कमरान, इस्तियाना, मुनीब, हाँ इस्तियाना उठ गई हो? नहीं उठी, अभी नींद में हो? अच्छा नींद कर ली, उठ गई हो? रोटी खाली हो गई? रोटी चाहिए? चलो कमरान रोटी मांग रही है। किस चीज़ के साथ खा रही हो? किस चीज़? उधर चाय आएगी? ऐसे रुखा खा रही थी पहले। चलो चलो खाओ माशाल्लाह। इसे रोटी दो मी, हाँ इस्तियाना को रोटी दो। इस्तियाना रोटी मांग रही है ना, रोटी खाओगी? आज क्या पकाएंगे? क्यों क्या बनाएंगे आज? छोले भटूरे। क्यों बनाएंगे? काका कौन मल पर से बड़ा बने? अच्छा चलें जी, काका कोश मले बनेगा। पप्पा बोलो, पप्पा। क्या पप्पा? पप्पा तेरी माशाल्लाह। आप फिर पप्पा बनाएंगे, ठीक है? आप खाओगी? कितना? इतना तेरी माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, दे दिए नाश्ता समिया को? माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर दे के साथ रोटीन बनी हुई है। नहीं मजाक किया, क्या कह रहे हो? दाल होवे तो इसे दाल ही दे दे। हाँ वो दही तो डेली खाती है ना, तो मैं कह नाप सालन भी दे दे। हाँ जी, हर चीज़ का तस्करा करते हैं मैन भाई। वही बात कर रहे थे कि डेली आप समिया को दही के साथ देते हैं। वो दही डेली खाती है ना, ना जो तब जब रोती है हेला को जाएगी ना तो। चलो चलो समिया खाओ। भी साथ देते हैं ये लकिया ने साथ सालन लेने के। हाँ जी, तो ये बड़े बड़े निवाले डाल रही थी अभी, ऐसे रोक रही थी। मैंने इतना बना दिया छोटा, तो वो फिर दोबार दो दी थी। उसकी आदत है, ऐसे खाते ही ऐसे। चले अल्लाह पाक शिफा देगा इंशाल्लाह। जो उनके दिमाग में आता है वो भी करती है। हाँ, इसको समिया को देख कर ना, उसने सियाना ने भी आदत पकड़ी बढ़ाने वाला डालने का, वही से देख कर। चले हमारी तो दुआ है कि जल्दी इनका इलाज हो जाए, जितना जल्दी हो जाएगा बेहतर है, वरना उम्र निकल जाएगी फिर। हाँ फिर मुश्किल होता है, उन्हें जितना छोटा बच्चा हो ना, उनका इलाज फौरन जल्दी कंट्रोल हो जाता है बीमारी का। ये जैसे उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बीमारी पक जाती है, मुश्किल बन। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। और रोटी शोटी खिलाए, बाकी सोते हैं, कुछ करते हैं इलाज का। हाँ जी जनाब, कर लिया रोटी पका ली? और रोटी को घी भी मारा था, मक्खन मार लिया जी? सारे काम हो गए जी? नहीं अभी तो कर रही है, ये देखे अभी तो कर रही है, बोलते सारे हो गए। और अभी घास को तरने भी जाना है, और घास है ढूंढने। कैसे सारे काम हो गए? ये भी जा रहे हैं घास ढूंढने। अच्छा, आपका जब चेहरा उतर जाता है ना, मुझे मालूम हो जाता है। अभी इसलिए गुस्से हुई है मैडम साहबा के नाश्ता कर लें, हमने घास पे जाना है ऐसे।
नहीं नहीं आप नया नाश्ता करें, मैं जा रही हूँ। अगर मैं वहाँ से बेहोश पड़गी ना तो फिर उठाना। नहीं नहीं इतना गुस्सा नहीं होता, सेहत के लिए ठीक का नहीं। तो ये देखिए ये आगे इसे पूछे कितना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हर टाइम गुस्सा भी नहीं करते, ठीक है चले आपके बात मानते हैं। आज के भी लोग मुकम्मल करते हैं, जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद निर्णय अता फरमाए, और जो मुश्किल में है सैलाब की वजह से बेचारा मुश्किल में अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमाए, और जो बहन भाई हमें डेली सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उन सब के नसीब अच्छे करें। तो आज के भी लोग मुकम्मल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान पाक फौज, प्यारे बहन भाई बस आप खुश।